हेलो गाइस, फ्रेंड्स एंड फूडीज में आप लोगों का स्वागत है। बहुत ही जल्द गणपत बप्पा हम सबके घर पधारने वाले हैं, जिनकी तैयारी हम लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मोदक की रेसिपी, जो कि गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप इस गणेश चतुर्थी इस मोदक को जरूर बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें 1 कप नारियल का बुरादा डालेंगे। मैं यहाँ पर एकदम बारीक वाला बुरादा यूज़ कर रही हूँ और इसे हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट लग जाते हैं इसको भूनने में। बस इसे हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, मीडियम या हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो अगर ये नीचे से थोड़ा भी जल जाएगा तो इसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी भून के तैयार हो जाता है, 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको भूनने में। तो आप मेजरमेंट के लिए घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं, उसी से सारा मेजरमेंट करके बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया मोदक बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, हमारा बुरादा लगभग भून चुका है, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी 1/2 कप दूध डाल रही हूँ। टोटल हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे, सेम कप से जिससे हमने बुरादा नापा था, और इसे हम मिक्स करेंगे। दूध डालने से काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाता है। तो हम इसमें खोया और चाशनी बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम दूध ज़रूर डालेंगे इसमें। इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो जैसे ही दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1/2 कप मलाई डालेंगे। तो दूध की मलाई है जो हम घर में दूध से उतार के रखते हैं। तो मलाई डालने से इसका रिचनेस काफ़ी बढ़ जाता है और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है, क्योंकि हम खोया इस नहीं यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो मलाई अगर आप डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसे मलाई डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट मलाई के साथ भूनेंगे अच्छे से। इससे जो बुरादा है एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट हो जाएगा और बहुत ही माउथ मेल्टिंग मोदक बन के तैयार होगा। अगर आप खोया यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके जगह पे खोया भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम फिर से 1/2 कप दूध डालेंगे और इसे भी हम मिक्स करेंगे। इसे हमें अब तब तक चलाना है जब तक कि दूध पूरी तरह से बुरादे में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो आप चाहें तो इस समय थोड़ा मीडियम फ्लेम कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे कि नीचे से जले ना। तो इसे लगातार चलाते रहना है, इससे बुरादा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो आप इस स्टेज पे अगर खोया डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर खोया, चाशनी कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे इससे भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोदक बन के तैयार होता है। ये देखिए, अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 2/3 कप शक्कर डाल रही हूँ सेम कप से। तो आप चाहें तो पूरा 1 कप शक्कर डाल सकते हैं, मैं 1 कप से थोड़ा कम डाल रही हूँ। तो आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग शक्कर डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम शक्कर डालेंगे, इसमें से पानी छूटने लगेगा, क्योंकि शक्कर पानी रिलीज करना शुरू कर देता है। तो अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता। तो जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे, पानी सूखता जाएगा और ये जो हमारा मिक्सचर है बहुत ही सॉफ्ट बनता जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर काफ़ी चेंज हो गया है, शक्कर का पानी एकदम सूख गया है और ये काफ़ी मॉइस्ट और सॉफ्ट भी हो गया है बुरादा। ये लगभग रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। बस इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे जिसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट है ये। तब इसे हम हल्का सा ठंडा करेंगे, थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहेगा तभी हम मोदक का शेप देंगे। तो प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए, हमारा मिक्सचर अब पहले से ठंडा हो गया है, हल्का हल्का सा गुनगुना है ये। तो अब हम इससे मोदक बनाएंगे। तो हाथों में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, देसी घी, और इसमें से हम पोर्शन लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आप मोदक का साइज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम नीचे थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बेस बनाएंगे, और ऊपर से हम
इसको पतला सेप देंगे। जैसा आपने देखा होगा मोदक का जो सेप होता है, हमें उसी तरह से इसको देना है। ऊपर से हम थोड़ा सा पतला करेंगे इस तरह से। ये देखिए, हम बिना मोल्ड के बना रहे हैं, तो आप चाहें तो मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक फोक लेंगे और फोक से हम इसमें कट का डिज़ाइन लगाएंगे। जैसा देखिए आपने देखा होगा मोदक में होता है साइड साइड में कट का डिज़ाइन, बिना मोल्ड के भी एकदम परफेक्ट मोदक बन के तैयार हो जाता है। कोई परेशानी नहीं होती है मोदक का सेप देने में। इस तरह से हम ऐसे डिज़ाइन इसको देते जाएंगे। तो आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं या फोक यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया डिज़ाइन बन रहा है। हो गया ना एकदम परफेक्ट मोदक का सेप, है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब देख सकते हैं, अब ये मैंने कुछ गुलाब की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इससे हम थोड़ा सा इसको चिपका देंगे। सेब बहुत ही सुंदर लगता है ये, क्योंकि हम भगवान के लिए चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है। ये देखिए हमारा एक मोदक बन के तैयार है, वो भी बिना मोल्ड के, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ कि हम बिना मोल्ड के घर में बहुत ही आसानी से हाथों से मोदक का सेप देके तैयार कर सकते हैं। बस हमें नीचे से थोड़ा सा मोटा रखना है, इसको बेस बनाना है, ऊपर से इस तरह से पतला कर देंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है हाथों से बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस हम फोक से चारों तरफ से कट का निशान लगा देंगे इस तरह से। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ये। ये हमारा दूसरा मोदक भी तैयार है। रोज पेटल्स लगा दिया मैंने, तो इसी तरह हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमारे सारे मोदक बन के तैयार हैं। तो आप इस गणेश चतुर्थी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।